नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग की तरफ से। करतार कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं में है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो आप यहाँ आके हमसे मिल सकते हैं, मैं आपको सारे प्रॉब्लम को दूर करूंगा। तो चलिए, मैं एवरेज का आज पाँचवा क्लास लेके आया हूँ, जिसमें एवरेज के पाँचवें क्लास में मैं आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। पहला दो क्लास में मैंने थ्योरी पढ़ा, उसके बाद के दो क्लास में मैंने क्वेश्चन को डील किया। अब इसके आगे और भी क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊँगा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, और ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। और इसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, जिससे आप क्वेश्चन को एक्यूरेट बनाना सीख जाएंगे। क्वेश्चन सही तभी बनेगा जब आप रेगुलर रहिएगा। अगर रेगुलर रहिएगा, कंटिन्यू रहिएगा, कॉपी पर लिखिएगा, फेयर बनाइएगा, तो 100% रिजल्ट होना है सर। केवल लगने की जरूरत है, टू द पॉइंट पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं एवरेज करतार कोचिंग की तरफ से। मैं आशुतोष आज स्टार्ट कर रहा हूं फिर से एवरेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एवरेज का पांचवा क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, 12 व्यक्तियों का औसत 15 है, एक व्यक्ति के शामिल होने से औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति की उम्र क्या होगी। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं पहले से कि संख्या गुना औसत बराबर योग, नंबर इंटू एवरेज बराबर सम। जानते हैं, नंबर इंटू एवरेज बराबर सम। 12 स्टूडेंट है जिनके एवरेज 15 का है, तो 15 15 15 15, 12 आदमी का 15 गुना 12 180। ध्यान दीजिए, पहले 12 आदमी का एवरेज कितने का था, 15 का। एवरेज का मतलब बराबर बराबर, तो 15 15 15 15 15 12 आदमी का, तो 12 गुना 15 टोटल कितना हो गया, 180। एक व्यक्ति शामिल होता है, एक व्यक्ति के शामिल होने से एवरेज 2 वर्ष बढ़ जाता है, यानी 15 के हिसाब से क्या हो जाता है, 17। पहले एक व्यक्ति शामिल हुआ था, तो 12 से क्या हो गया, 13, और एवरेज 15 से क्या हो गया, 17, 2 बढ़ जाता है। एक व्यक्ति शामिल हुआ, 12 आदमी से 13 आदमी हो गया, एवरेज जो 15 चल रहा था वो 2 बढ़ जाता है, 17। तो 17 17 17 17 17 13 आदमी का, तो 13 आदमी का कितना होगा, 27। देखिए 13 आदमी का कितना होगा, यहां देखो 27 की एक, और इसको एक बढ़ा देते हैं, 2 एकम 2, 27 इसको एक बढ़ा देते हैं, 2 2 एकम 2, यानी 221। तो हम कह सकते हैं कि 12 आदमी का टोटल 180 और 13 आदमी का टोटल 221, तो नए व्यक्ति का कितना हो जाएगा, नए व्यक्ति की उम्र 41 वर्ष। बात समझ में आई कि नहीं आई, 12 आदमी, एवरेज 15 का था, 15 15 15 15, 12 आदमी का 15 गुना 12, एक आदमी शामिल हुआ, एवरेज 2 बढ़ गया, तो 17 17 17 17, 13 आदमी का 13 गुना 17 221, तो 15 आदमी, 12 आदमी का 180 और 13 आदमी का 221, तो नए व्यक्ति का कितना हो गया, 41 वर्ष। समझ में आया, चलिए इसका शॉर्टकट बनाते हैं। आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। आने के कारण बढ़ जाए, क्लास में लड़का आए, आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। आने के कारण बढ़ जाए तो वो क्या होगा, तेज। क्लास में एक लड़का आया और उसके आने के कारण क्लास की स्थिति अच्छी हो गई, तो लड़का क्या है, तेज। आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। आने के कारण बढ़ जाए तो वो लड़का क्या है, तेज। किससे तेज है, पहले वाले से। चलिए, आने के यहां पर तक तो सही है। देखिए, आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। आने के कारण बढ़ जाए तो क्या होगा, तेज। आपको दिए थे फॉर्मूला, पुराना औसत तेज, नई संख्या वृद्धि या कमी कितने का, 2 का। तो 15 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 41। बात समझ में आया, पुराना औसत आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। आने के कारण बढ़ जाए तो वो क्या होगा, तेज। किससे तेज होगा, आने के कारण बढ़ जाए तो वो क्या होगा, तेज। चलिए, पुराना औसत तेज, नई संख्या 13 वृद्धि या कमी, या नया औसत पुरानी संख्या वृद्धि या कमी, कितना हो जाएगा, इसको भी कैलकुलेट करेंगे, 17 प्लस 24, ये भी कितना हो जाएगा, 41 वर्ष। बात समझ में, देखिए इसको समझिएगा, क्लास में 12 बच्चे हैं, सब 15 15 रुपये लेके बैठा हुआ है। क्लास में बैठने का नियम है कि सबको सेम दे के बैठना होगा, तो एक क्लास में 12 बच्चे अभी बैठे हुए हैं, सब 15 15 लेके बैठा हुआ। एक लड़का जैसे ही एंट्री मारता है और सबके पास 2 2 रुपये बढ़ जाता है, तो स्वाभाविक है जो लड़का आया होगा वो पैसा ज़्यादा लेके आया हो, तो लड़का करेगा क्या, दो तरीका अपना सकता है। क्लास में बैठने, देखिए क्लास में कितने बच्चे हैं, 12,
सब कितना कितना लेके बैठा हुआ, 15 रुपये लेके बैठा हुआ। क्लास में बैठने का नियम है कि सबको सेम लेके बैठना होगा, और जैसे ही एक लड़का एंट्री मारता है सबके पास 2-2 रुपया बढ़ जाता है। तो सब लड़का दो काम कर सकता है, या तो सबसे पहले अपने पास क्लास में क्या बैठने का नियम था कि सबके पास सेम होना चाहिए, 15-15 होना चाहिए, तो सबसे पहले लड़का क्या किया कि 15 रुपया अपने पास रख लिया, 15 रुपया रख लिया, और जितना एक्स्ट्रा पैसा था सबको 2-2 रुपया बढ़ा दिया। तो 2-2 रुपया कितने लोगों में बढ़ाएगा, 12 लोगों में कि 13 लोगों में? 13 लोगों में, खुद को भी ना देगा तब ना बराबर बराबर होगा। 15 रुपया लेके बैठ गया, अब बाकी सबको 2-2 बढ़ाना है, तो 2-2 खाली सबको बढ़ाएगा तो फिर तो वो ज़्यादा हो जाएगा। और सबको सेम रखना है तो 13ों को ना बढ़ाना पड़ेगा, खुद को भी तो 2 रुपया बढ़ाएगा। तो पहले 15 रख लिया और 2-2 रुपया बढ़ाया कितने लोग को, 13 लोग को, तो कितना हो गया? या सबसे पहले वो 17 रुपया रख लेता, अब बाकी 2-2 रुपया देना होता तो कितने लोग को देना पड़ता है? 15 लोग को ना, 12 लोग को ना। सबसे पहले वो कितना अपने पास रख लिया, 17 रुपया, और 2-2 रुपया बढ़ाएगा तो 2-2 रुपया कितने लोग को देगा? मात्र 12 लोग को देना होगा, क्योंकि सबके पास तो 15-15 था ही पहले से। तो ये तरीका हुआ। अब इसी चीज़ को हम फार्मूला से बताए थे, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, आने के कारण बढ़ जाए तो क्या होगा, तेज। चलिए, पुराना औसत तेज, नई संख्या वृद्धि या कमी। पुराना औसत तेज, नई संख्या वृद्धि या कमी। नया औसत तेज, पुरानी संख्या वृद्धि या कमी। एवरेज पुराना, संख्या नया, एवरेज नया, संख्या पुराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो। संख्या गुना औसत बराबर योग, संख्या गुना औसत बराबर योग। 15 व्यक्ति का एवरेज कितने का है, 27 का। एक व्यक्ति शामिल हुआ और सबके पास एवरेज एक घट गया, एक घट गया मतलब क्या हो गया, 26। 15 व्यक्ति का एवरेज कितने का है, 27 का। 15 व्यक्ति का एवरेज 27 का है, तो 27 क्या आदमी, 15 आदमी। एक व्यक्ति शामिल हुआ, सबके पास एवरेज घट गया, एक व्यक्ति शामिल हुआ यानी 15 से 16 हो गया एवरेज, जो 27 चल रहा था वो 21 16 एक घट गया यानी 26 का हो गया। चलिए, पहले और अब 15 व्यक्ति का 27 के हिसाब से, 16 व्यक्ति का 26 के हिसाब से। तो 15 × 7 = 105, अब 15 × 2 = 30, 30 × 10 = 40, 405। 16 × 6 = 96, और 16 × 2 = 32 और 9, 32 और 9 = 47। यानी नए व्यक्ति का कितना हो जाएगा, नए व्यक्ति की उम्र 11 वर्ष। बात समझ में? 15 आदमी का 27 का एवरेज, 27 15 आदमी का 15 × 27, एक व्यक्ति शामिल हुआ 16, एवरेज 2 बढ़ गया एक घट गया, तो 26 के हिसाब से 16 आदमी। तो 15 आदमी का 405, 16 आदमी का इतना, तो नए व्यक्ति का कितना? चलिए, आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है या जा रहा है, आने वाले का कि जाने वाले का, आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। फाइंड द एज ऑफ न्यू पर्सन, आने वाले का। बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है, आने के कारण घट जाए तो वो क्या हो जाएगा बताओ, कमजोर। क्लास में लड़का आया और क्लास की स्थिति खराब हो जाए तो लड़का क्या है, कमजोर। क्लास में लड़का आया, क्लास की स्थिति खराब हो गई तो लड़का क्या है, कमजोर। चलिए, पुराना औसत कमजोर, नई संख्या वृद्धि या कमी कितने का, 1 का, 11 वर्ष। पुराना औसत आ रहा है जा रहा है, आ रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है, आने का घट जाए तो कमजोर। पुराना औसत 27, नई संख्या 16, वृद्धि या कमी कितने का, 1 का। या नया औसत 26 माइनस पुरानी संख्या, नया औसत पुरानी संख्या, वृद्धि या कमी कितने का था, 1 का ना, वृद्धि या कमी 1 का। तो कितना वर्ष आ गया, 11 वर्ष। बात समझ में आई? पुराना औसत आ रहा है जा रहा है, आ रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है तो आने कारण कमजोर, घट जाए तो कमजोर। पुराना औसत कमजोर, नई संख्या वृद्धि या कमी। नया औसत कमजोर, पुरानी संख्या वृद्धि या कमी। क्लास में बैठने का वो चीज तो बता ही चुके हैं। चलिए, तो ये 2 तरीका है, नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए, इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और है। 19 छात्रों का औसत कितना है, 23। आप जानते हैं संख्या गुना औसत बराबर योग, नंबर इंटू एवरेज बराबर सम। 19 स्टूडेंट का एवरेज कितने का है बाबू, 23 का। एक व्यक्ति बाहर चला जाए और एवरेज 1/3 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझिए, 19 व्यक्ति था, एवरेज 23 का,
एक व्यक्ति बाहर चला गया, एवरेज बढ़ गया, तो 19 व्यक्ति 23 के हिसाब से, 23 19 व्यक्ति, तो 19 57 और 19 2 38 38 5 43, चलिए 18 गुना 18 गुना 13 23, अब प्लस 18 गुना 1/3, आइए 18 54 18 2 36 5 41, और यहाँ 6 बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा 420, यानी जाने वाले का क्या होगा, जाने वाले की उम्र 17 वर्ष। देखिए 19 व्यक्ति का एवरेज पहले कितना था, 23 का, तो 23 19 व्यक्ति का 19 गुना 23, एक व्यक्ति चला गया एवरेज बढ़ गया, एक व्यक्ति चला गया 18 एवरेज बढ़ गया, तो 18 × 18 × कैलकुलेट कर लिए, तो 19 व्यक्ति का 437, 18 व्यक्ति का 420, 18 54 18 2 36 5 41 3 6 18, हाँ ठीक तो है, तो जाने वाले का कितना वर्ष हो गया, 17 वर्ष। आ रहा है, अब देखो इसको शॉर्टकट क्या बताते हैं, आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, जा क्लास से लड़का जा, क्लास की स्थिति अच्छी हो जाए तो लड़का क्या है, कमजोर। आ रहा है जा रहा है, जा रहा है क्लास, जा व्हाट इज द एज ऑफ अटेंडिंग स्टूडेंट, जाने वाले का एज निकालना है ना, किसका एज निकालना है, जाने वाले का, ध्यान दो किसका एज निकालना है, जाने वाले का, आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, तो जाने का कारण बढ़ जाए तो लड़का क्या होगा, कमजोर, किससे कमजोर होगा, आने वाले से, किससे कमजोर होगा, आने वाले से। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, 19 छात्र, देखिए 19 छात्रों का एवरेज कितना था, 23 का, एक व्यक्ति चला गया, एवरेज क्या हो गया, बढ़ गया, चलिए आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, जाने के कारण बढ़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, कमजोर, क्लास से लड़का जा, क्लास की स्थिति अच्छी हो जाए तो लड़का क्या था, कमजोर। चलिए पुराना औसत, कमजोर, नई संख्या, वृद्धि या कमी कितने का, 1/3, तो 13 में से कितना हो गया, क्या लगभग 13 में से 6 गया 7, 17 वर्ष, बात समझ में आई। चलिए आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, जाने के कारण बढ़ जाए तो कमजोर, चलिए पुराना औसत, कमजोर, नई संख्या, वृद्धि या कमी कितने का, 1/3, यानी 17 वर्ष, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए 12 लड़कों के समूह में से एक लड़का बाहर चला जाता है, उसके स्थान पर 26 साल का दूसरा लड़का आ जाता है, जिससे औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, जाने वाले लड़के की उम्र, जाने वाले लड़के की उम्र है ना। देखिए माना पहले औसत x था, माना पहले औसत x था, देखिए माना पहले औसत x था, तो x x x x x माना पहले एवरेज x था, तो हर व्यक्ति का x x x x x, तो 12 व्यक्ति का 12x, कह रहा है उसके एक लड़का बाहर चला गया, उसके स्थान पर 26 साल का दूसरा आ गया, संख्या तो 12 का 12 रहा, एवरेज जो x चल रहा था वो 1 वर्ष क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, माना पहले औसत क्या था, माना पहले औसत x था, तो हर व्यक्ति का x x x x x, तो 12 व्यक्ति का 12x, एक लड़का बाहर चला गया, कितने साल का बाहर गया नहीं पता, उसके स्थान पर 26 साल का दूसरा लड़का आ गया, अरे बोल भाई एक गया एक आया, संख्या 12 का 12 रहा, एवरेज जो x चल रहा था वो कितना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है। माना पहले औसत x था, तो हर व्यक्ति का x x x x x, 12 व्यक्ति का 12x, एक लड़का बाहर चला गया, उसके स्थान पर 26 साल का और दूसरा लड़का आ गया, संख्या 12 का 12 रहा, लेकिन एवरेज जो x चल रहा था वो 1 वर्ष क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो x प्लस 1। देखिए इसको सॉल्व करेंगे छोटू, तो आंसर तो आपका आ जाएगा, कहीं कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, 12x प्लस 12 गुना 1 खत्म, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 26 माइनस 12 गुना 1 यानी कितना वर्ष, 14 वर्ष। बात समझ में आया, माना पहले औसत x था, तो हर व्यक्ति का x x x x x, 12 व्यक्ति का 12x, एक लड़का बाहर चला जाएगा, उसके स्थान पर 26 साल का दूसरा आ जाता है, संख्या 12 का 12 रहा, एवरेज x चल रहा था वो 1 वर्ष क्या हो गया, बढ़ गया, तो पहले एवरेज x था, आज x प्लस 1, तो x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 क्या है, 12 को, इसको सॉल्व करेंगे तो x का y का वैल्यू आराम से निकल जाएगा।
लेकिन इसका शॉर्टकट आप जानना चाहते हो तो चलिए बताता हूं। आना वाला निकालना है कि जाने वाला का, यहां क्लियर कर लीजिए। आना कि जाना, जाना। बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। जाने के कारण बढ़ जाए, जाने के कारण बढ़ जाए तो लड़का क्या है? कमजोर। क्लास से लड़का गया और क्लास का स्थिति अच्छा हो गया तो लड़का क्या है? कमजोर। देखिए लास्ट लाइन देखिए, आना कि जाना, जाना। बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। जाने के कारण बढ़ जाए तो लड़का क्या है? कमजोर। किससे कमजोर होगा? आने वाले से। आने वाले का क्या है सटी? यहाँ 26, उससे क्या है? कमजोर। कितना कमजोर? एक। एक अकेले की बारह का, बारह का तो 12 × 1 कैलकुलेशन करेंगे 14 वर्ष। बात समझ में आई? फिर से समझिए लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन। आना कि जाना, जाना। बढ़ रहा है घट रहा है? जाना। आने की जाना, जाना। बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। जाने के कारण बढ़ जाए तो लड़का कमजोर। किससे कमजोर? आने वाले से। आने वाले का 26, उससे क्या है? कमजोर। कितना कमजोर? एक। एक अकेले की बारहों का, बारहों का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना वर्ष आ जाएगा? 14 वर्ष। चलिए बहुत अच्छे, इसी टाइप का 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक आ रहा है और एक जा रहा है। चलिए माना पहले औसत x था, माना पहले औसत x था तो हर व्यक्ति का x, 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 x तो 16 व्यक्ति का 16x, 32 साल का चला गया, उसके जगह एक नया आ गया, संख्या 16 का 16 रहा, लेकिन एवरेज 1/4 वर्ष क्या हो जाता है? घट जाता है। देखिए माना पहले औसत x था तो हर व्यक्ति का x, 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 x तो 16 व्यक्ति का 16x, 32 साल का चला गया, उसके जगह एक नया आया, एक गया एक आया, संख्या 16 का 16 रहा, एवरेज जो x चल रहा था वो 1/4 वर्ष क्या हो जाता है? घट जाता है। तो x माइनस 1/4, x माइनस 1/4, x माइनस 1/4 के हिसाब से क्या है वो 16 को। माना पहले औसत x था तो x, 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 16 व्यक्ति का 16x, 32 साल का चला गया, उसके जगह एक नया आया, एक गया एक आया, संख्या 16 का 16 रहा, एवरेज जो x चल रहा था 1/4 वर्ष घट गया, तो x माइनस 1/4, x माइनस 1/4 के हिसाब से क्या है वो 16 को। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे सर, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो y का वैल्यू क्या हो गया? 32 − 16 का 1/4 काटेंगे तो y का वैल्यू क्या हो गया? 32 − 4 यानी 28 वर्ष। समझ में आ रहा है? चलिए इसका शॉर्टकट देखते हैं। आना निकालना है एक नए व्यक्ति का, नए व्यक्ति मतलब आना। बढ़ रहा है या घट रहा है? घट जाता है। आने के कारण क्या हो जाता है? घट जाता है। क्लास में लड़का आया, क्लास की स्थिति खराब हो गई तो लड़का क्या है? कमजोर। क्लास में देखिए आ रहा है जा रहा है? आ रहा है। आने के कारण घट जाए तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अरे आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। आने के कारण घट जाए तो लड़का क्या है? कमजोर। किससे कमजोर है? जाने वाले से। जाने का वाले का 32, जाने वाले का 32, उससे कमजोर। कितना कमजोर? कितना कमजोर? 1/4 अकेले की 16 का। चलिए काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। बात समझ में? आना या जाना? आना। बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। आने का घट जाए तो लड़का क्या है? कमजोर। किससे कमजोर? जाने वाले से। जाने वाले का 32, उससे कमजोर। कितना कमजोर? 1/4 अकेले की 16 का। तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना वर्ष आ जाएगा? 28 वर्ष। क्लियर? चल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है सर, ध्यान दीजिएगा। 24 लड़कों के समूह में से 18 वर्ष का लड़का नहीं आया, उसके स्थान पर एक नया लड़का आ गया जिससे औसत 1/4 वर्ष बढ़ जाता है। व्हाट इज द एज ऑफ न्यू बॉय? ध्यान दीजिए, माना पहले औसत x था, माना पहले औसत x था तो हर व्यक्ति का x, 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 x तो 24 व्यक्ति का 24x, माना पहले औसत x था तो हर व्यक्ति का x, 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 x तो 24 व्यक्ति का 24x, 18 साल वाला लड़का नहीं आया, 18 साल वाला नहीं आया, उसके स्थान पर एक नया आ गया तो संख्या तो 24 का 24 रहा, एवरेज जो x चल रहा था वो 1/6 वर्ष क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए, माना पहले औसत x था तो हर व्यक्ति का x, 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 x तो 24 व्यक्ति का 24x, 18 साल वाला नहीं आया तो -18, उसके जगह एक नया आ गया, नया आ गया तो +22, संख्या तो 24 का 24 रहा लेकिन एवरेज जो x चल रहा था वो 1/6 वर्ष क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो x प्लस 1/6, x प्लस 1/6 के हिसाब से क्या है वो 24 को। अब इसको सॉल्व करेंगे सर, इसको सॉल्व करेंगे, 24x प्लस 24 का कितना? 1/6, 6 से कितनी बार में? 4। काटेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? 18
प्लस चार यानी भाई का वैल्यू कितना हो गया 22 वर्ष। बात समझ में? शॉर्टकट मारते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ न्यू बॉय? एज ऑफ न्यू बॉय मतलब आने वाला, आने वाला। चलिए, बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। आने के कारण बढ़ जाए, आने के कारण बढ़ जाए तो वो क्या है? तेज। आने क्लास में लड़का है, क्लास के सुधर जाए तो लड़का क्या है? तेज। आना की जान आना। बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। आने के कारण बढ़ जाए तो लड़का क्या है? तेज। किससे तेज होगा? जाने वाले से। जाने वाले का कितना है छोटू? 18। उससे कितना होगा? तेज। कितना तेज होगा? 1/6। 1/6 अकेले, एक अकेले की 2400 का, 2400 का। चलिए काटिए तो सर 22 वर्ष। बात समझ में आई? फिर से देखिए, आना की जाना आना। बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। आने के कारण बढ़ जाए तो वो क्या होगा? कमजोर। आने के कारण बढ़ जाए तो वो क्या होगा? तेज। प्लस प्लस प्लस। किससे तेज होगा? जाने वाले से। जाने वाले का कितना? 18। उससे क्या होगा? तेज। कितना तेज होगा? 1/6 अकेले, एक अकेले की 2400 का यानी 22 वर्ष। इसका बेसिक तो समझ ही गए होंगे। माना पहले औसत एक्स, हर व्यक्ति का एक्स, तो 24 व्यक्ति का 24x। 18 साल वाला चला गया, उसकी जगह नया आया, संख्या 24 का 24 रहा, एवरेज जो एक्स चल रहा था वो 1/6 बढ़ गया, तो एक्स प्लस 1/6 के हिसाब से क्या हो 24 को सॉल्व किए तो वाई का वैल्यू आराम से निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। 11 क्रिकेट खिलाड़ी में एक खिलाड़ी को चोट लगने के कारण बाहर चला जाता है, उसके स्थान पर 22 साल का दूसरा खिलाड़ी आ जाता है जिससे औसत 6 मार्क घट जाता है। आइए, माना पहले औसत x था, माना पहले औसत x था, तो x 11 खिलाड़ी का 11x, माना पहले औसत x था तो हर व्यक्ति का x तो 11 खिलाड़ी का 11x है ना, 11 खिलाड़ी का 11x। कह रहा है एक खिलाड़ी को चोट लगने के कारण वो बाहर चला गया, उसके स्थान पर 22 साल का दूसरा आ गया, संख्या 11 का 11 रहा, एवरेज जो एक्स चल रहा था वो 6 महीना यानी आधा साल क्या हो जाता है? घट जाता है। ध्यान दीजिए, माना पहले औसत एक्स था तो हर व्यक्ति का एक्स तो 11 व्यक्ति का 11x। एक लड़का बाहर चला गया भाई, उसके स्थान पर एक दूसरा लड़का आ गया 22 साल का, संख्या 11 का 11 चल रहा, लेकिन एवरेज जो एक्स चल रहा था वो आधा साल घट जाता है, तो x माइनस वन बाई टू के हिसाब से क्या हो 11 हो। अब इसको सॉल्व करेंगे सर, सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा ना, तो y का वैल्यू क्या हो गया 22 प्लस 11 का 1/2 यानी y का वैल्यू क्या हो गया 27.5 वर्ष। बात समझ में? आना या देखिए, माना पहले औसत x था तो हर खिलाड़ी का x 11 खिलाड़ी का 11x, एक लड़का चला गया उसके स्थान पर 22 साल का दूसरा आ गया, संख्या 11 का 11 रहा, एवरेज जो x चल रहा था वो 1/2 घट गया, तो x माइनस वन बाई टू के हिसाब से क्या हो 11 हो, तो इसको सॉल्व किए तो y का वैल्यू निकल गया। अब इसको शॉर्टकट बनाते हैं। देखिए शॉर्टकट में हम क्या बोले थे, आने वाला की चोट लगने वाले खिलाड़ी की उम्र, चोट लगने वाला खिलाड़ी मतलब जाने वाला, जाने वाला। बढ़ रहा है घट रहा है छोटू? घट रहा है। क्लास से लड़का जाए और क्लास की स्थिति खराब हो जाए तो वो लड़का क्या है? तेज। क्लास से लड़का जाए, क्लास की स्थिति खराब हो जाए तो लड़का क्या था? तेज। क्लास से गया और सब ये बोलने लगे कि क्लास की स्थिति खराब हो गई तो वो लड़का क्या था? तेज। चलिए, आना कि जाना? जाना। जाने के कारण घट रहा है, जाने के कारण घट रहा है तो क्या होगा? तेज। क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? चल। प्लस पुराना औसत चोट लगने वाले खिलाड़ी की उम्र, पुराना औसत कितना है? देखिए क्लास से लड़का गया, जाने के कारण क्लास की स्थिति खराब हो गई तो लड़का क्या है? तेज। किससे तेज होगा? आने वाले से। आने वाले का कितना है? 22। उससे क्या होगा? तेज। कितना तेज होगा? 11। आधा साल, 6 महीना मतलब आधा साल, आधा साल अकेले की 11 होगा, 11 होगा ना। चलिए बात समझ में आया? आना कि जाना? जाना। बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। जाने के कारण घट जाए तो लड़का क्या होगा? तेज। किससे तेज होगा? आने वाले से। आने वाले का कितना है? 22। उससे क्या होगा? तेज। कितना तेज होगा? आधा साल, आधा साल अकेले की 11 होगा, 11 होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है सर। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। माना पहले औसत एक्स था, माना पहले औसत एक्स था तो हर व्यक्ति का x तो 11 खिलाड़ी का कितना होगा? 11x। 18 साल और 20 साल का दो गो निकल लिया, उसके जगह दो गो नया आ गया,
संख्या 11 का 11 रहा, एवरेज जो एक्स चल रहा था उसमें दो महीने बढ़ गया, दो महीने मतलब 2/12। ध्यान दीजिए, माना पहले औसत एक्स था, तो हर व्यक्ति का एक्स 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 एक्स, तो 11 व्यक्ति का 11x, हर व्यक्ति का एक्स 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 एक्स, तो 11 व्यक्ति का 11x। 18 साल और 20 साल के दो चले गए, उसकी जगह दो नए आ गए, दो गए और दो आए, संख्या तो 11 का 11 रहा, एवरेज जो एक्स चल रहा था, एवरेज जो एक्स चल रहा था वो दो महीने बढ़ जाता है, दो महीने मतलब 2/12। अब इसको सॉल्व करेंगे छोटू, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है बताओ, 11x प्लस 11 गुना 2/12 कैंसिल आउट होगा, तो a प्लस b का वैल्यू क्या होगा, 18 और 20 38 प्लस 11 गुना 2/12, और एवरेज निकालना है, a तथा b का औसत निकालना है, औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए क्या बताए थे, दोनों को जोड़कर किससे भाग, दो से, दोनों को जोड़कर किससे भाग, दो से, तो चलिए 38 प्लस 11 गुना 2/12 में किससे भाग देना है, दो से, तो काटेंगे तो क्या होगा 19 प्लस 11/12 यानी 19 वर्ष और 11 माह। देखिए माना पहले औसत एक्स था, तो हर व्यक्ति का एक्स 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 एक्स, 11 व्यक्ति का 11x, 18 साल और 20 साल का दो चला गया, उसके जगह दो नया आया, संख्या 11 का 11 रहा, एवरेज जो एक्स चल रहा था वो दो महीने बढ़ गया, एक्स प्लस वन 2/12 के हिसाब से क्या हुआ 11 को, इसको सॉल्व करके ए बी का वैल्यू निकाल दिए, एवरेज निकालने तो किससे भाग देंगे, दो से, यानी 19 वर्ष 11 महीना। अब कहिएगा सर शॉर्टकट बता दीजिए, कहिएगा इसका शॉर्टकट बताइए, तो बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, आना नए खिलाड़ी का औसत, नया खिलाड़ी का औसत यानी आना कि जाना, आना, आना बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, दो वर्ष दो महीने बढ़ जाता है, आने के कारण बढ़ जाए तो वो क्या होगा तेज, आने के कारण बढ़ जाए तो वो क्या होगा तेज, आना या जाना, आना बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, आने के कारण बढ़ जाए तो वो क्या होगा तेज, किससे तेज होगा, जाने वाले से, जाने वाले का कितना है 18 और 20, उससे क्या होगा तेज, कितना तेज होगा दो महीने, दो महीने आगे लेके 11 होगा, और एवरेज निकालना है तो किससे भाग देंगे दो से, आना निकालना है कि जाना, आना नए खिलाड़ियों का औसत, आना निकालना है कि जाना, आना बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा, आने के कारण बढ़ जाए तो क्या होगा तेज, किससे तेज होगा जाने वाले से, जाने वाले का 18 और 20, उससे तेज होगा, कितना तेज होगा दो महीने, दो महीने अकेले की 11 होगा 11 गुना 2/12, एवरेज निकालना है किससे भाग देंगे दो से, तो 38 प्लस 11 गुना 2/12/2, दो से काटेंगे तो 19 प्लस 11/12, तो 19 वर्ष और 11 माह। बात समझ में आया, 19 वर्ष और 11 माह। लास्ट लाइन देखना है, आना कि जाना, आना बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा, आने कारण बढ़ जाए तो वो क्या होगा तेज, किससे तेज होगा जाने वाले से, जाने वाले का 18 और 20, उससे क्या होगा तेज, कितना तेज होगा दो महीना, तेज होगा यानी प्लस, तेज होगा यानी प्लस, कितना महीना दो महीना अकेले की 11 होगा, और दो महीने का वर्ष में कन्वर्ट किया, एवरेज निकालना किससे भाग देंगे दो से। क्लियर, चलो बहुत अच्छे, कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग बना रहे हैं, कहीं कुछ करना नहीं, केवल प्रैक्टिस करना है, केवल कॉपी निकाल के नोट करना है, हो जाएगा। चलिए अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये सब मेन क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं केवल प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। चलो देखो, कह रहा है 4 साल पहले ए और बी का एवरेज कितना था 18, आज ए बी सी का एवरेज कितना है 24, 8 साल बाद सी। चलिए 18 एवरेज कब था, 4 साल पहले, 4 साल पहले एवरेज 18 था, तो आज 18 और 4 22, 22 के हिसाब से दो मेंबर, 22 के हिसाब से क्या गो मेंबर, दो गो। 18 एवरेज कब था 4 साल पहले, आज एवरेज कितना होगा, योग कितना होगा 18 4 22, 22 के हिसाब से क्या गो मेंबर, दो गो। आज सी को भी शामिल करने के बाद, एवरेज 24 का, तो 24 के हिसाब से क्या गो मेंबर, तीन गो। तो तीन मेंबर में से दो मेंबर अगर लेस कर लेंगे तो क्या सी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, तो सी का वैल्यू निकल जाएगा 72 - 24 × 48, यानी कितना हो जाएगा 18 4 22, 22 × 44 ना होगा जी 44, यहाँ घटाएंगे तो 12 में 4 जाएगा 8, ये कितना हो गया, और 6 में से 4 गया 2, 28 वर्ष, 8 साल बाद सी बोल रहे हैं, 8 साल बाद सी, तो 28 + 8 32 वर्ष, 36 वर्ष,
है। देखिए ए और बी का एवरेज कितना था, 18। 18 कब था, 4 साल पहले, तो 18 और 4 22, 22 के हिसाब से क्या गो आदमी, 2 गो। 18 एवरेज कब था, 4 साल पहले, तो आज 18 और 4 4, एवरेज मतलब एक व्यक्ति का, और एक व्यक्ति 18 था तो आज कितना होगा, 18 और 4 22, क्योंकि एवरेज में डायरेक्ट बढ़ेगा ना, जो एज बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, जो काम प्रत्येक में होता है औसत में डायरेक्ट होता है। 18 एवरेज कब था, 4 साल पहले, आज कितना होगा, 18 और 4 22, 22 के हिसाब से 2 आदमी। आज सी को शामिल करने के बाद एवरेज 24, 24 के हिसाब से 3 आदमी, तो 3 आदमी में से 2 आदमी हटा ले तो सी का वैल्यू निकल गया। 8 साल बाद बोला, 8 साल बाद 8 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्लियर। चलिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन अगला दिखाते हैं, ट्राई करना बन जाएगा। देखो 5 साल पहले, 5 साल पहले ए बी सी डी, ए बी सी डी 45 एवरेज कब था, 5 साल पहले, क्या आदमी का, 4 आदमी का। देखिए 5 साल पहले कितना एवरेज था, 45। 45 एवरेज कब था, 5 साल पहले, तो आज, आज एवरेज मतलब एक व्यक्ति का, 45 कब था, 5 साल पहले, आज कितना होगा, 45 और 5 50, 50 के हिसाब से क्या होगा आदमी, 4 गो। एवरेज मतलब बराबर बराबर, एवरेज मतलब बराबर बराबर, 50 के हिसाब से क्या होगा आदमी, 4 गो। आज ई को शामिल करने के बाद, आज ई को शामिल करने के बाद, आज ई को भी शामिल करने के बाद तो एवरेज 49 का हो गया, तो 49 के हिसाब से क्या हुआ आदमी बताओ, 49 के हिसाब से क्या हुआ आदमी, 5 आदमी। तो 5 आदमी में से 4 आदमी हटा देंगे तो ई का एज निकल जाएगा क्या, ई का एज निकल जाएगा, ई का निकल गया। 5 साल पहले पूछ रहा है, 5 साल पहले, आज 45 है बाबू, तो 5 साल पहले कितना होगा, 45 माइनस 5 कितना, 40। देखिए 45 एवरेज कब था, 5 साल पहले, तो आज 45 और 5 50, 50 के हिसाब से 4 आदमी। आज ई को शामिल करने के बाद एवरेज 49 के हिसाब से क्या हुआ आदमी, 5 आदमी। तो 5 आदमी में से 4 आदमी हटा दे तो 1 आदमी का बच गया, लेकिन कब पूछ रहा है, 5 साल पहले, 5 साल पहले किसका, ई का, तो 45 कब, अभी ना, 5 साल पहले जाओगे तो 5 कम। ध्यान दीजिए ए बी सी डी का एवरेज 45 कब था, 5 साल पहले, 5 साल पहले 45, तो आज 50, 50 के हिसाब से क्या हुआ आदमी, 4 गो। आज ई को शामिल करने के बाद एवरेज 49 के हिसाब से क्या हुआ आदमी, 5 आदमी। तो 5 आदमी में से 4 आदमी हटा दे तो 1 आदमी का निकल गया आज का, अब 5 साल पहले पूछ रहा है तो 5 और कम, नहीं 40 वर्ष। चलिए सेम पैटर्न का अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करना बन जाएगा। देखो पति पत्नी की शादी 4 साल पहले हुई, 4 साल पहले एवरेज कितना था, 25। देखिए पति पत्नी, पति और पत्नी एवरेज कितने का था, 25। 25 कब था, 4 साल पहले, तो आज 25 और 4 29, 29 के हिसाब से क्या हुआ आदमी, 2 गो। 25 एवरेज कब था, 4 साल पहले, आज 29 के हिसाब से क्या हुआ, 2 गो। आज एगो लड़को हो गया तो हस्बैंड वाइफ के बाद एगो बच्चों आ गया, और एवरेज कितने का है छोटू, 20 का, तो 20 के हिसाब से क्या हुआ आदमी, 3 गो। तो 3 गो आदमी में से 2 आदमी हटा देंगे तो बचवा का निकल जाएगा, 60 माइनस 25 4 29 2 58, तो बचवा कै साल का हो गया, 2 वर्ष का। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड। देखिए 25 एवरेज कब था, 4 साल पहले, 4 साल पहले शादी हुआ उस समय एवरेज 25 था, तो अभी 25 और 4 29, 29 के हिसाब से 2 आदमी, 29 के हिसाब से 2 आदमी 58। आज एगो बच्चों आ गया, बच्चों आ गया एवरेज 25 का, 20 का, 20 के हिसाब से 3 गो, तो 20 30 60, तो 3 आदमी में से 2 आदमी हटा दिए, हस्बैंड वाइफ बच्चा में से हस्बैंड वाइफ को हटा दिया तो बचवे ना निकलेगा, तो बचवा का रेट निकाल दिया 2 वर्ष, नहीं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, अगला ट्राई करो, अभी नहीं बनाया तो कोई उपाय नहीं। अच्छा क्या कह रहा है, पति पत्नी के एवरेज 27 है, आज एक बच्चे का जन्म हुआ, चलिए आज वर्तमान एवरेज हस्बैंड और वाइफ का कितने है छोटू, 27 के हिसाब से क्या गो व्यक्ति, 2 गो। आज हस्बैंड वाइफ और बच्चा है, आजे का सब बात कर रहा है, आज हस्बैंड और वाइफ का एवरेज कितने का, 27 के हिसाब से 2 गो, आजे को बचवा भी है तो 21 का एवरेज है, तो 21 के हिसाब से क्या गो, 3 गो। तो 3 गो में से अगर 2 गो हटा दे हस्बैंड वाइफ को तो बच्चा निकल जाएगा, चलिए 21 दिया 63 और 27 दूना 54, तो अब घटाओगे तो 13 में से 4 गया 7, ठीक है ना जी, नहीं 13 में 7 जाएगा 7 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ पर देखो यहाँ घटाना है सर, इसको घटाओगे बढ़िया से तो आंसर आ जाएगा,
13 में से 4 जाएगा कितना आएगा, 9 आना चाहिए, नहीं चलिए, तो सी का जो वर्तमान एज कितना निकल गया, 9 वर्ष। देखिए पति पत्नी का एवरेज 27, 27 के हिसाब से क्या है, दो गो, आज एगो बच्चा है तो 21 के हिसाब से 3 गो, तो आज 54 का और बचवा के मिला के 63 का, तो दोनों को घटा देंगे तो बच्चे का निकल जाएगा। सेम पैटर्न छोटू, सेम पैटर्न, एक बार ट्राई करोगे होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बताओ पति का पत्नी का विवाह 4 साल पहले हुआ, 4 साल पहले 25 का एवरेज था, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, 25 एवरेज कब था, 4 साल पहले, तो आज 25 से 4 29, 29 के हिसाब से 2 आदमी, कौन कौन, हस्बैंड और वाइफ, एगो बच्चों आ गया है, तो हस्बैंड वाइफ और बच्चा एवरेज कितने का है छोटू, 20 का, 20 के हिसाब से 3 आदमी, 3 आदमी में से 2 हटा दिए तो बचवा का नहीं निकल जाएगा, बच्चा कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ माइनस करना है ना, माइनस करोगे तो 60 में से 58 जाएगा, तो बचवा कै साल का निकल जाएगा, 2 वर्ष। बात समझ में आया, हस्बैंड वाइफ का एवरेज कितने का था, 25 का, 4 साल पहले, तो अभी 25 से 4 29, 29 के हिसाब से 2 आदमी, आज बच्चा भी आ गया तो 20 का एवरेज, 20 के हिसाब से 3 आदमी, 3 में से 2 हटा दिया तो बच्चे का निकल जाएगा। ये सेम क्वेश्चन पीछे डिस्कस हो गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो होता चला जाएगा। जैसे देखो ना, ये भी जो क्वेश्चन में था ना, लगभग ये सेम ही क्वेश्चन था, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव कर रहे हैं। हाँ अब बताओ इसका बनेगा, 5 साल पहले पी और क्यू का एवरेज 25 का था, 5 साल पहले कितना था, 25 का, पी और क्यू, आइए 25 एवरेज कब था, 5 साल पहले, तो अभी 25 और 5 30, 30 के हिसाब से क्या हुआ आदमी, 2 आदमी, 25 एवरेज कब था, 5 साल पहले 25, आज 5 साल पहले 25, तो अभी 25 और 5 30, 30 के हिसाब से क्या हुआ आदमी, 2 गो, आज एगो क्यू, पी क्यू के साथ आर भी शामिल हो गया, पी क्यू के साथ आर भी शामिल हो गया, एवरेज कितने का है, 25, 25 के हिसाब से क्या हुआ आदमी, 3 गो आदमी, तो 3 गो आदमी में से 2 आदमी हटा देंगे तो आराम से निकल जाएगा एक 2 गो का, यानी आर कितने साल का है, 15 वर्ष। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए, पी क्यू का एवरेज कितना था, 25, 25 कब था, 5 साल पहले, तो अभी 25 और 5 30, 30 के हिसाब से 2 आदमी, आज आर को भी शामिल कर लिया, तो पी क्यू आर 25 का एवरेज, 25 के हिसाब से 3 आदमी, तो 3 आदमी में से 2 आदमी हटा देंगे तो क्या आर का निकल जाएगा, कितना आसानी से निकल रहा है कहीं, तो 5 साल बाद आर बोल रहा है, 5 साल बाद बोल रहा है आर, तो नहीं निकाल लोगे, आज का पते है हमारा 15, अब 5 साल बाद का बात करोगे तो 15 और 5 20 वर्ष। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का ये सब क्वेश्चन है, सही सब डायरेक्ट देख के आंसर आप लोगों को बनाना चाहिए। चलिए 3 साल पहले 5 सदस्यों का एवरेज 17 का था, 17 एवरेज कब था, 3 साल पहले, तो आज 17 और 3 20, 20 के हिसाब से क्या हुआ आदमी, 5 गो, आज एगो बच्चा भी हो गया, एवरेज परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले के समान है, आज एगो बच्चा भी हो गया तो 6 गो आदमी हो गया और एवरेज आज भी 17 है। बात समझिए, यहां पर 5 व्यक्ति था, एक व्यक्ति और शामिल हो गया, एफ भी शामिल हो गया, बात समझ रहे हो, 5 व्यक्ति था, 17 एवरेज कब था, 17 एवरेज कब था, 3 साल पहले, अरे 3 साल पहले कितना था, 17, तो आज 17 और 3 20, 20 के हिसाब से क्या हुआ आदमी, 5 गो, आज एगो लड़का भी आ गया तो 6 गो हो गया और आज भी एवरेज 3 साल पहले वाला यानी 17 है, तो क्या एफ का नहीं निकल जाएगा, यानी नए बच्चे का कितना आ जाएगा, 17 6 के 102 और 20 25 100, तो बच्चा क्या साल का निकल गया, 2 वर्ष का। बात समझ में आया कि नहीं है, 17 एवरेज कब था, 5 साल पहले, आज 17 और 5, 3 साल पहले, तो आज 17 3 20, 20 के हिसाब से क्या हुआ आदमी, 5 गो, और आज 17 के हिसाब से 6 गो, तो 6 गो में से 5 गो हटा दिए तो ये का निकल जाएगा, ये कौन है, बच्चा है, तो कितना आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं, कहीं कोई दिखते नहीं है, केवल क्या कर रहे हैं, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, 3 टाइप निकल गया, 3 पैटर्न निकल गया, केवल लगने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे 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 करके होता चला जाएगा। कॉपी लेकर बैठो भाई, नोट्स बनाओ, क्लियर करो, और इसको बना लोगे ना, एक बार क्लियर कर लोगे तो सर पढ़ाई का भी बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं इसका यूज होना ही है, रिजल्ट हो ही जाएगा, अगर रिजल्ट नहीं भी होता है तो आपको एक साधन मिल जाएगा कि आप कभी भूखे नहीं मरोगे। प्रैक्टिस, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता है, केवल लगने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो,
होता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच, इतना देर तक आप लोग बने रहे, हम लोग आगे भी इसी तरह से आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप ही के लिए डिस्कस करेंगे। करतार कोचिंग सेंटर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि इतना देर तक आप लोग बने रहे। और मैं आशुतोष इसमें पढ़ाता हूँ मैथ्स, बैंक, रेलवे, एसएससी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो, आप आइए और हमसे मिलिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।